नमस्कार दोस्तों, नीरज एक आवाज़ में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो भी बहुत ही खास रहने वाली है उन दोस्तों के लिए जो कि मोबाइल एंड्रॉयड के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कीबोर्ड का चयन करना चाहते हैं। और कई दोस्त कई भाषाओं का चयन करते हैं चैटिंग करते वक्त, मतलब कि वो इंग्लिश में लिखते हुए वो चाहते हैं कि हिंदी में भी लिखा जाए, और वो चाहते हैं यदि तमिल में लिखा जाए या उर्दू में लिखा जाए, वो ऐसे कर सकते हैं। कीबोर्ड होता है जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, मैं डायरेक्ट पहले उसका वर्क दिखा देता हूँ। मैं जैसे कि मैंने अपना एक ग्रुप खोल दिया है, उसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूँ और हिंदी में लिखना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं कितनी फास्ट लिख देता हूँ। देखो दोस्तों, कितनी फास्ट मैंने ये हिंदी में टाइप कर दिया। आप भी कर सकते हैं, बस एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसको आपको डाउनलोड करना होगा। तो मैं जो ये एप्लीकेशन है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और मैं बता भी देता हूँ ये एप्लीकेशन कौन सी है। आप प्ले स्टोर पर जाएँ सबसे पहले, और वहाँ पर लिखें गूगल इंडिक कीबोर्ड। जब आप लिखेंगे तो आपके आगे ये एप्लीकेशन आ जाएगी, ये आइकॉन आ जाएगा। जब इसको डाउनलोड करेंगे और इसको ओपन करेंगे, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ। तो सिलेक्ट इनपुट लैंग्वेज, तो इसमें आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी लैंग्वेज भर सकते हैं। तेलुगु भर सकते हैं, पंजाबी भर सकते हैं, उड़िया भर सकते हैं, कन्नड़ भर सकते हैं, बंगाली भर सकते हैं। मैंने अपनी इच्छा उससे अपनी इच्छा अनुसार मैंने इसमें हिंदी और ही इंग्लिश भरा है, और ऊपर ही मैंने इंग्लिश इंडिक लैंग्वेज भरा है बस। तो मैंने ये ही भाषाओं का चयन किया है। इसके बाद इनपुट पे जाते हैं, तो मैंने इस पर सेटिंग में सबको ऑनलाइन मैंने सबको क्लिक कर दिया है इसको। उसके बाद आता है कि कीबोर्ड भी मैंने नॉर्मल रखा है। नॉर्मल आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद। और बाकी इन सबको ऑन किया है, और ऊपर मैंने साउंड को ऑफ किया हुआ है। उसके बाद हैंड ऑन किया हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ है। तो मतलब मैं अपने उंगली का इस्तेमाल करके, मतलब आप कुछ भी लिखेंगे वही लिखा जाएगा। डिक्शनरी को मैंने क्लियर नहीं किया है अभी। उसके बाद अदर सेटिंग पे जाते हैं, तो मैंने शो ऐप आइकॉन को ऑन किया हुआ है। चलो अब मैं डायरेक्ट इसमें जाता हूँ कि हम लिखते कैसे हैं। तो मैंने एक ग्रुप को मैं ऑन कर देता हूँ, किसी भी ग्रुप को। ये मैंने ग्रुप को ऑन कर दिया है। देखो दोस्तों, मैं यदि लिखना चाहता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यदि आप इसमें लिखना चाहते हैं हिंदी में, तो आप ऐप पर क्लिक करें और पहला जो इस पर है उस पर क्लिक कर दें आइकॉन पर। देखो, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना भी है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको ये एप्लीकेशन बेहतरीन लगी हो। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो एबीसी पर क्लिक करें और यहाँ पर टाइप करना शुरू कर दें। यदि आप ये चाहते हैं कि आप डायरेक्ट हिंदी में ही लिखें, न कि इंग्लिश में टाइप करें, तो आप इसको जो सेकेंड आइकॉन है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर डायरेक्ट हिंदी में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन और दिखा लेते हैं, ये ऑप्शन बढ़ भी जाते हैं दोस्तों यदि आप सेटिंग चेंज करते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये जो थर्ड जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ नीरज। मैंने अच्छे से नहीं लिखा इसको, मी दिखता है ये, तो मैं दोबारा लिखता हूँ नी। देखो दोस्तों, मैंने अपना नाम लिख दिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, कितनी बेहतरीन ये एप्लीकेशन है। आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा लिंक जो है इस एप्लीकेशन का वो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक करें। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।